जहां पर आज सुबह जनता दर्शन लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास और निवेश की सौगात देंगे सीएम योगी। 10:30 बजे मंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचेंगे सीएम। 33 करोड़ की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 111 करोड़ की 21 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। यहां पर दोपहर 12 बजे गोंडा जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 67 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण करेंगे। 75 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को देंगे आवंटन पत्र। और विकास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम, बाद में आगे का कार्यक्रम। कितने बजे जनता दरबार सीएम का लगेगा? जी आपको बता दें कि सीएम योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं तो दो धर्मों का पालन करते हैं। सुबह उठते हैं तो महंत के रूप में नजर आते हैं, उसके बाद जनता की फरियाद सुनते हैं, जनता के विकास के लिए योजनाओं की सौगात देते हैं। इसी के तहत अभी वो दर्शन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद ठीक विकास और निवेश की सौगात देने के लिए 10:30 बजे महंत अवैध दिग्विजयनाथ जो पार्क है वहाँ पर पहुँचेंगे। 144 करोड़ से अधिक की लागत की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद सीएम ठीक 12 बजे के करीब गीड़ा पहुंचेंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 134 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। गारमेंट क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन भी करेंगे और उद्यमियों को आवंटन पत्र विवत करेंगे। तो इस तरह आज का ये दौरे का जो दूसरा दिन है, निवेश और विकास की सौगात देंगे सीएम योगी और लोगों की फरियाद सुनकर उनके निस्तारण की भी बात करेंगे। जी ठीक है विकास, ये जनता दरबार कहाँ लगाएंगे सीएम, गोरखनाथ मंदिर में या फिर जहाँ पर वो सब रुके हुए वहाँ पर? जी सीएम योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं तो अगले दिन सुबह मंदिर में स्थित हिंदू सेवा आश्रम में वो जनता दरबार लगाते थे। वो पार्ट वन में भी वही करते थे, पार्ट टू में भी वही कर रहे हैं। उससे पहले जब सांसद थे तब जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते थे। सीएम योगी की पहली प्राथमिकता थी, चाहे वो सांसद रहे हों चाहे दूसरी बार मुख्यमंत्री, जनता के हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। और चाहे वो 200 आदमी आए चाहे 500 आदमी आए, सीएम एक एक के पास खुद जाकर उसका प्रार्थना पत्र लेते हैं और एक उसकी फरियाद सुनते हैं और उसके निस्तारण के लिए त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारी को निर्देश देते हैं। ये सीएम योगी की पहचान थी और है। सीएम योगी आम आदमी से जुड़े हैं और एक एक चप्पे से भी वाकिफ हैं और जो भी अधिकारियों शिकायत आती है उसमें भी कार्रवाई करते हैं और जो भी फरियादी पहुंचता है और सही होता है उसको त्वरित न्याय मिलने की भी पूरी संभावना रहती है। ठीक विकास, हम नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। फिलहाल तो आज गोरखपुर का दौरा है सीएम का, दूसरा दिन उनके दौरे का, लेकिन उसके बाद उनको आगे के लिए भी रवाना होना है। अभी रुकेंगे।